भाई आज बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी कंपनी के बारे में, जो कि मारुति की गाड़ियां आप चलाते हो, उसको यूज़ करते हो। लेटेस्ट अपडेट के साथ में ये वीडियो आपके हवाले करी जा रही है। आज हम जानेंगे 4 लाख से भी कम बजट में 36 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देने वाली गाड़ी मारुति में ऐसी कौन सी लॉन्च हो रही है और कौन सी ऐसी गाड़ी आपको जिसका लुत्फानंदोज़ होने को मिलेगा, आज उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो भाई ये है 4 लाख से भी कम बजट में 36 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज और 6 एयरबैग वाली सेफ कार। डिटेल्स देखें और करें ख़रीदारी, पहले डिटेल निकालें उसके बाद इसको जानें। तो भाई देश में सालों साल तक राज करने वाली मारुति सुजुकी की जो अल्टो गाड़ी है, इतनी धांगड़ हो गई है ना अब कि लोग इसे धड़ल्ले से ख़रीदने लगे हैं। वहीं अगर बात करें तो भारत में हाल ही में लॉन्च किए गए भारत एनकैप से लोगों में सेफ कारें ख़रीदने का मन बना लिया है। तो भाई सेफ कारें ख़रीदने का मन तो बहुत पहले बनाना चाहिए था, आप बना लिया, वेल एंड गुड, दे रहा है, दुरुस्त है, अच्छी बात है, बढ़िया है, सेफ कारें ही ख़रीदो। अल्टो केटन के मामले को अगर देखा जाए कि कैसी अल्टो केटन जो अब लॉन्च हो रही है, जो नई आई है अब, तो ये पहले वाली इसमें बात अब नहीं रह गई है। कंपनी ने नए मॉडल को लॉन्च कर अब ज़्यादा सेफ बना दिया, काफ़ी इसमें अपडेट किया है, क्योंकि पहले वाली अल्टो केटन से ज़्यादा अब जो आ रही है वो सेफ़ है। ये ऐसा मारुति सुजुकी का कहना है कि भाई पहले जो अल्टो केटन थी वो इतनी सेफ़ नहीं थी जितनी कि अब जो मार्केट में इन्होंने लॉन्च की है वो सेफ़ है। तो मार्केट में सबसे किफ़ायती कार मानी जाने वाली अल्टो K10 आधुनिक फीचर और ज़्यादा माइलेज में गाड़ी राज कर रही है। अच्छा, इसका इंजन पे अगर नज़र डालें हैं तो अल्टो K10 में कंपनी नेचुरली एस्पिरेटेड 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल रहा है, जो काफ़ी दमदार है। इंजन के साथ कार का CNG वेरियंट भी ऑफर किया जाता है। कार के माइलेज की बात की जाए तो पेट्रोल पर अल्टो लगभग 27 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है। जी भाई, 27 का एवरेज पेट्रोल में है, पेट्रोल वेरिएंट में इसके। और अगर हम वहीं इस पर CNG वेरिएंट की इसकी बात करें तो वहां पे 36 किलोमीटर प्रति किलो, यानी 1 किलो CNG गैस में 36 किलोमीटर तक गाड़ी आपकी चलेगी। ठीक है, बढ़िया है, बेहतरीन है भैया, अच्छी बात है। वहीं अगर बात करी जाए इसकी कीमत की तो अल्टो K10 का जो बेस मॉडल है वो 3,99,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस पर रखा है इन्होंने। इसने 3,99,000 एक्स शोरूम प्राइस पर आप इसको ख़रीद सकते हैं। और अगर इसके टॉप वेरिएंट की बात करें, टॉप मॉडल की, तो टॉप मॉडल इसका एक्स शोरूम प्राइस है 5,96,000 रुपये। अब बात करें इसके फ़ीचर्स की, तो क्या इसमें अल्टो K10 में नए आधुनिक फ़ीचर उन्होंने लगा रखे हैं। कार में बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम है भाई, 4 स्पीकर हैं, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है, पावर स्टीयरिंग है, पावर विंडो है, इंजन इमोबिलाइज़र है, जैसे कई और फीचर्स भी मिलेंगे। अल्टो K10 में आपको 6 एयरबैग के साथ, गजब, बाप रे बाप, यानी 2 एयरबैग तक अभी आई थी, अभी 6 एयरबैग लगा दिए इसमें। 6 एयरबैग के साथ ही अब ABS, EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, चाइल्ड लॉक और स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स जैसे फीचर्स भी इसमें देखने को मिलेंगे। तो भाई ये तो बड़ा धमाल मचा रहेगी अल्टो, ये तो जो आई नई, तो बढ़िया है। तो जिस हिसाब से 6 एयरबैग बता रहे हैं ये, और अपने मान लो ABS वगैरह सब इसमें दे रखा है, तो उम्मीद करते हैं कि पहले वाली K10 से तो ये सेफ ही होने वाली है। जिस हिसाब से ये फ़ीचर्स बता रहे हैं, भाई मुझे मालूम नहीं है, जो अपडेट आई है मैं वो आपको बता रहा हूँ। बाकी अभी तक का तो कोई भी ग्लोबल NCAP के थ्रू अगर उसका हमने सर्वे किया, उसको चेक किया ग्लोबल NCAP के रिगार्डिंग जाकर, तो मारुति की गाड़ियाँ सेफ्टी के मामले में बहुत अच्छी साबित नहीं हो पाई हैं। हो सकता है कि मारुति का कहना है कि पहले वाली अल्टो K10 और अल्टो जो 800 निकाली थी उससे बेहतर सेफ्टी है इसमें। और जैसे कि बता रहे हैं कि टॉप मॉडल में 6 एयरबैग भी देखने को मिल रहे हैं हमें, ABS वगैरह है, तो हो सकता है कि ये सेफ उससे ज़्यादा हो। लेकिन अब इसका तो पता तभी लगेगा भाई जो गाड़ी ख़रीदेगा उसको इस्तेमाल करेगा। अगर जिस भाई को भी वीडियो सही लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई। और किसी भी तरह की आपको कार टेक्निकल या मोटर क्लेम से रिलेटेड, मोटर इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ जाकर के हमसे सीधे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।